यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो सी ड्राइव है वो जो 346 GB की ये पार्टीशन है जो करीब 9 GB खाली है। तो आप कैसे इसको ज्यादा कर सकते हैं, जैसे कि बिना डिलीट किए बिना फॉर्मेट किए इसको आप बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं मैं इस वीडियो में बताएगा। और किसी भी फाइल से आप ले सकते हैं, अभी 2022 का फ्यूचर ये है, किसी भी फाइल से आप उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं बहुत इजीली तरीके से। तो आप बहुत इजीली तरीके से बढ़ा सकते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं पार्टीशन और भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। इस पे आपको क्या करना है, दिस पीसी पे आपको राइट माउस क्लिक करना है और मैनेज पे आपको चला जाना है। तो यहाँ पे आपको मैनेज का फाइल ओपन हो चुका है, तो आपको डिस्क मेजरमेंट में आपको चला जाना है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जो मेरा फ्री है 341 GB, इसमें और पार्टीशन बना सकते हैं और भी। यहाँ पे मेरा को ई ड्राइव से मैं सी ड्राइव में ट्रांसफर करेगा, जैसे कि आपको यहाँ से कट करके आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि मेरा ई ड्राइव ये है, माई ड्राइव से इसमें ट्रांसफर करेगा, जो भी 50 GB हो तो मैं इसमें कर देगा। जैसे कि यहाँ पे आपको 346 GB है तो मेरे को 400 करीब हो जाएगा यहाँ पे, तो मैं इसको फटाफट कर लेता हूँ। तो आपको दिखाई दे रहा होगा जो 346 अभी है, तो 50 यानी कि 400 करीब हो जाएगा ये, ठीक है। तो मैं इसको बैक चलता हूँ यहाँ से और भी आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आपको ये एक ब्राउजर ओपन कर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं गूगल में फर्स्ट में आपको मिनी टूल्स पार्टीशन विजार्ड 3 आपका आ जाएगा, तो इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो मैं इसी के आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो आपको यहाँ डाउनलोड कर लेना, जिस फाइल में भी जाएगा उसके फाइल के थ्रू आपको उसको ओपन कर लेना पड़ेगा। तब मेरा ये फाइल में आया है, तो मैं इसको डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेगा। गूगल से या ब्राउजर से आप डाउनलोड करते हैं तो आपका 2 MB के करीब डाउनलोड होता है, फिर यहाँ पे आपको ओपन करेंगे तो फिर यहाँ भी आपका 10 या 25 GB का आसपास डाउनलोड होगा। तो यहाँ पे आपको फ्री वाला करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश पे कर दिया हूँ, फिर मैं यस पे कर देगा। यहाँ पे जो ट्राई प्रो आपको लिखा है इसको नहीं करना है, कंटिन्यू इंस्टॉलिंग फ्री वाला करना है आपको। तो आपको नीचे वाला पे सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको यहाँ पर रिचार्ज मांगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे यस कर देंगे। यस करने के बाद यहाँ पे आप कुछ डाउनलोड होगा, मेरे सिस्टम में अभी दिखाई दे रहा होगा जो 18 MB करीब डाउनलोड हो रहा है। आपके भी सिस्टम में ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो यहाँ पे डाउनलोड भी हो गया, इंस्टॉल भी हो गया, आपको यहाँ से फिनिश कर लेना पड़ेगा। फिनिश होने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, यहाँ पे पूरा पार्टीशन आ चुका है। तो मेरा इंटरनेट भी यहाँ पे ओपन हो गया, तो मैं इसको कट कर देगा। कट करने के बाद इसको मैं बड़ा कर लेगा जो आपको अच्छे तरीके समझ में आ जाए। और यहाँ पे जो मेरा पूरा पार्टीशन जो है आ चुका है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा जो मेरा सी ड्राइव ये है, ये मेरा ए ड्राइव है, ये मेरा जी ड्राइव है, ठीक है। 346 GB का ये मेरा सी ड्राइव है जो मेरा खाली करीब 9 GB है, ठीक है। इसको मेरे को क्या करना है, बढ़ाना है, तो इसमें मेरे को राइट माउस को क्लिक करना है। तो राइट माउस को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर चल जाना सीधा एक्सटेंड में, आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर किस फाइल से आप बढ़ाना चाहते हैं तो उस फाइल को यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेगा, यानी कि मेरा माई ड्राइव फ्री ड्राइव है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ। यहाँ पे करीब ये 836 GB का यह ड्राइव है, तो जो इसमें खाली आपको दिखाई दे रहा होगा जो यहाँ पे मेरा सी ड्राइव में 346 GB है, तो यानी कि मेरे को करीब 50 GB की प्लस लेना है, तो मेरे को कम करना पड़ेगा। जैसे 50 GB इसमें से मेरे को लेना है, तो मान लो मैं 55 ले लेता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे 56 GB मैं यहाँ पे सेट कर दिया। आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके यहाँ इसको सेट कर सकते हैं, जितना GB लेना है आपको इसके द्वारा सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखा सी ड्राइव हार्ड डिस्क मेरा ये हो चुका है, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे मेरा ई ड्राइव में मेरे को 780 GB हो जाएगा, जो मेरा पहले था 836 GB, तो मैं इसको 56 GB इसमें से उसमें चला जाएगा, तो ये घट जाएगा, ठीक है। फिर मेरा सी ड्राइव जो है, जो मेरा 300 GB था, 46 GB 346 GB था, तो वो हो जाएगा यहाँ पे 402 GB। तो मैं यहाँ पे ओके कर देगा। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक करते ही ये आपका प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको यस कर देना है। यस करते ही यहाँ पे आपका प्रोसेसिंग जो है चालू हो जाएगा।
जो आपको दिखाई दे रहा हूँ यहाँ पे, आपको ऐसे सिस्टम चलने लगेगा। इतनी बार आपका सिस्टम रिसेट भी मांगता है तो आपको रिसेट कर देना है। रिसेट करने के बाद आपका सिस्टम जो है ऑफ में चलेगा, जैसे कि सिस्टम आपका ऑफ हो जाएगा, फिर आपका जो भी प्रोसेसिंग या यानी फाइल ट्रांसफर होके फिर उसका आपका ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो ऑन होने के बाद आपका देखेंगे तो आपका सिस्टम यानी कि बढ़ चुका होगा सी ड्राइव। ऐसे भी होता है, ऑफलाइन भी होता है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं अभी जो ऑन मेरा डिस्प्ले है फिर भी ये चल रहा है। कितनी बार ऑफ भी होता है आपको घबराना नहीं है, आपका ऑफ सिस्टम हो जाएगा फिर भी प्रोसेसिंग होता है तो 10 या 15 मिनट लगता है। तो अभी देख रहे हैं मेरा कि डिस्प्ले ऑन है, ये यहाँ पे प्रोसेसिंग अभी हो रहा है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जो मेरा सक्सेसफुल हो चुका है, तो मैं यहाँ पे ओके कर देगा। ओके करने के बाद हम चलते हैं अपना सी ड्राइव देखते हैं बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। तो अपना फाइल ओपन कर लेंगे, पहले यहाँ से अपनी फाइल आपको दिखा देते हैं, उसके बाद यहाँ पे दिस पीसी पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही आपको दिखाई दे रहा होगा कि 402 का ये कंपोनेंट बन चुका है, जो फाइल 402 GB का बन चुका है और 96 GB खाली इसमें है। ऐसे करके अपना आप सी ड्राइव बढ़ा सकते हैं बहुत इजीली। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आई मोबाइल गुरु भी।